दिल्ली के बदरपुर में बीएसपी उम्मीदवार और पूर्व विधायक नारायण दास शर्मा पर हमला, गंभीर रूप से हुए घायल। अज्ञात हमलावरों ने बीएसपी उम्मीदवार की गाड़ी में भी की तोड़फोड़। बीती रात करीब 1:30 बजे बदरपुर के पास मोरल बांध इलाके में नारायण दास शर्मा पर हुआ हमला। आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुके हैं नारायण दास शर्मा, इस बार टिकट नहीं मिलने पर थामा था बीएसपी का दावा। नारायण दास शर्मा ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर 20 करोड़ में आपका टिकट बेचने का लगाया था आरोप। आपने बदरपुर से राम सिंह को दिया है टिकट। दिल्ली में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, शाम 6 बजे दिल्ली में थम जाएगा चुनावी बिगुल, 8 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। दिल्ली में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी बीजेपी लगाएगी जोर, अमित शाह करेंगे रोड शो। 11 बजे नंद नगरी इलाके में होगा अमित शाह का पहला रोड शो, दोपहर 2 बजे हरिनगर और 3 बजे माधेपुर में शाह का रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे 2 रोड शो, नगरौली और मंगोलपुरी में करेंगे प्रचार। भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की आज मालवीय नगर और आर्यन नगर में नुक्कड़ सभा। दिल्ली में आज द ग्रेट खली करेंगे बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार, कालकाजी कृष्णनगर, मेहरौली और देरावल नगर में होगा खली का रोड शो। दिल्ली में प्रचार के आखिरी दिन आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 4 रैलियां। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और बीजेपी सांसद रवि किशन भी आज दिल्ली में करेंगे धुआंधार प्रचार, भोजपुरी स्टार स्वीटी छाबड़ा भी आज करेंगे प्रचार। कुछ दिन पहले ही बीजेपी से जुड़ने वाली साइना नेहवाल भी आज दिल्ली में करेंगे 2 रोड शो, सुबह 10 बजे यमुना विहार और 3 बजे शाहदरा में साइना का रोड शो। बीजेपी ने सांसदों को दिया निर्देश, अगले 2 दिन झुंगी बस्ती और अवैध कॉलोनियों में मतदाताओं से करें संपर्क। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार कपिल गुर्जर पर आज तक के सवालों से बचते दिखे, नहीं दिया जवाब। कुलदीप ने शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर के पिता की आम आदमी पार्टी में एंट्री का ट्वीट किया था डिलीट। कुलदीप ने पहले 2019 में कपिल के पिता गजय सिंह की आप में एंट्री की पोस्ट की तस्वीर। आज तक के कपिल पर सवाल से बचने के लिए कुलदीप ने चली हैरान करने वाली चाल, चुनावी बैन को और जोर से बचाने को कहा ताकि सवाल रहे अनसुना। वोट से पहले एक्शन में चुनाव आयोग, कपिल गुर्जर के आप कनेक्शन का खुलासा करने वाले डीसीपी राजेश देव को दी चेतावनी। मामले की जांच के दौरान ही डीसीपी के खुलासे को चुनाव आयोग ने बताया गया जरूरी, राजेश देव को चुनाव संबंधी काम से अलग रखने का निर्देश। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को भी चुनाव आयोग का नोटिस, शाम 5 बजे तक मांगा जवाब। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा पर चुनाव आयोग ने दोबारा चलाया चाबुक, चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक। लखनऊ में घंटाघर पर सीए के विरोध में प्रदर्शन जारी, पूर्व आईएएस कन्नन गोपीनाथ भी प्रदर्शन से जुड़े, कहा धारा 144 से जनता डरने वाली नहीं। नांदेड़ में आईएसओ के सदस्य सलमान का सीए पर बयान, कहा ये कानून वापस जाएगा, कानून के बाद हुकूमत वापस आएगी। सलमान का बयान, शाहीन बाग से फैसला हो चुका है, आप कब मानेंगे ये आपको तय करना है, जितना देर करेंगे आपकी कब्र उतनी ज्यादा खुदेगी। एमयू में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, आजमगढ़ में सीए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का लगाया आरोप, किया विरोध। आजमगढ़ में सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में मची थी भगदड़, 18 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने लाठीचार्ज के आरोप से किया इनकार। सीए और एनआरसी के खिलाफ कोलकाता में लोगों ने किया प्रदर्शन, बनाई मानव श्रृंखला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग की चेतावनी, कोर्ट परिसर में मोहल्ला क्लिनिक खोलने के बयान पर फटकार। बोलने पर भड़के केजरीवाल, कहा बीजेपी पेश करे सबूत, पत्नी और बेटी ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली के हौस गाजी की रैली में राहुल भूले मर्यादा, पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी। 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा, हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये जो नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनाव प्रचार में शत्रुघ्न सिन्हा के एंट्री, कांग्रेस प्रत्याशी एके वालिया के लिए कृष्णा नगर में किया प्रचार। शाहीन बाग में दिए गए देश विरोधी भड़काऊ भाषणों पर प्रदर्शनकारियों की पर्दा डालने की कोशिश, वक्ताओं का पहचान के साथ भरा जा रहा फॉर्म, तय की गई गाइडलाइन। शबील इमाम पर लगे देशद्रोह के आरोपों को पुख्ता करने में जुटा है क्राइम ब्रांच, पुलिस हिरासत के सिर्फ 2 बजे।
पुलिस आज शर्जील इमाम की आवाज का लेगी सैंपल, भड़काऊ भाषण से किया जाएगा मैच। शर्जील के भड़काऊ बयान को पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा, रिपोर्ट का हो रहा है इंतजार। दिल्ली क्राइम ब्रांच दारुल-उलूम इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 7 छात्रों को पूछताछ के लिए आज किया तलब, ये सभी छात्र शर्जील के साथ व्हाट्सएप ग्रुप से हैं जुड़े। मुंबई में शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी करने वाली उर्वशी चूड़ावाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। मुंबई में सेशंस कोर्ट के अर्जी खारिज होने के बाद उर्वशी के पास अब गिरफ्तारी से बचने के दो रास्ते, या तो हाईकोर्ट से करेंगी अग्रिम जमानत की गुहार या फिर करेंगे सरेंडर। मुंबई के आजाद मैदान में शर्जील के समर्थन और देश विरोधी नारेबाजी करने के आरोप उर्वशी समेत 51 लोगों पर दर्ज किया गया है देशद्रोह का केस। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आजाद मैदान में शर्जील के समर्थन में हुई नारेबाजी के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत, जिस यूनियन के सदस्यों को बताया अर्बन नक्सली। आजाद मैदान में नारेबाजी को मुद्दा बनाने पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर किया पलटवार, बीजेपी को बताया मुद्दा विहीन, कहा महाराष्ट्र में नहीं लागू होने देंगे एनआरसी। दिल्ली में गुर्जर वोट बैंक पर बीजेपी की नजर, तुगलेन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुर्जर समाज के साथ की बैठक। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी का धन्यवाद ज्ञापन, दोपहर 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी, शाम 5 बजे राज्यसभा में होगा भाषण। संसद में विपक्ष के उठाए थे रोजगार, धारा 370 हटाने, सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दे, पीएम मोदी आज उसका दे सकते हैं जवाब। कल असम जाएंगे पीएम मोदी, कोकराझार में आयोजित बोडो समझौता समारोह करेंगे शिरकत। जेएनयू में छात्र संघ ने फिर उठाया बड़ी फीस का मुद्दा, आज करेगा कन्वेंशन सेंटर का घेरा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा राम मंदिर ट्रस्ट का नाम, संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर आखिरी होगा ट्रस्ट का फैसला, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का दफ्तर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में होंगे 15 ट्रस्टी, दलित समाज का होगा एक सदस्य, अयोध्या के राजा बनाए गए पहले ट्रस्टी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए ट्रस्ट को दी जाएगी 67 एकड़ से ज्यादा जमीन, 1993 में सरकार ने किया था अधिग्रहण। ट्रस्ट के ऐलान पर अयोध्या में साधु संतों ने जताई खुशी, बोले अब खत्म हुआ मंदिर निर्माण का इंतजार। योगी सरकार ने सुनी वक्फ बोर्ड को दिए 5 एकड़ जमीन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कैबिनेट ने लगाई मुहर। अयोध्या के धनीपुर में मुस्लिम समाज को मिली जमीन, मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर जमीन का आवंटन। राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान की टाइमिंग पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। By making announcement at this point of time, the Prime Minister and BJP have really exposed their political weakness in the Delhi elections. राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाए जाने पर खुश हुए महंत धर्मदास, कहा राम और हनुमान के आशीर्वाद से ही पीएम बने हैं मोदी। महंत धर्मदास ने राम मंदिर ट्रस्ट में दलित को रखे जाने पर कहा भक्तों की नहीं होती कोई जाति, किसी को भी दलित बताकर ना करे राम भक्तों का अपमान। चंदौली में अनशन पर बैठे महंत परमहंस दास, संघ प्रमुख मोहन भागवत को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का संरक्षण बनाने की मांग, अन्न जल छोड़ा। बाड़मेर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने टिड्डी प्रभावित खेतों का किया दौरा, मृतक किसान के परिजनों से की मुलाकात। वसुंधरा ने टिड्डी की समस्या को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की, गहलोत सरकार पर संवेदनहीनता का लगाया आरोप। निर्भया केस के गुनहगारों की एक ही साथ होगी फांसी, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार की अर्जी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार, गुनहगारों को अलग अलग फांसी देने की है अपील। हाईकोर्ट ने गुनहगारों को कानूनी दाव पेज अपनाने के लिए 7 दिनों की दी है मोहलत, कहा दिया जा चुका है पर्याप्त वक्त। निर्भया की मां आशा देवी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा डेडलाइन के तुरंत बाद दी जाए फांसी। जेल से बाहर आए बलात्कार के आरोपी चिन्मय आनंद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी है जमानत। तमिलनाडु के पन्नूर में अभिनेता विजय के घर पर छापा, आयकर विभाग की टीम ने की छापेमारी। नोएडा पुलिस ने एक शख्स को एक महिला के साथ किया गिरफ्तार, लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर ऐंठते थे रकम, रेप के केस में फंसाने के देते थे धमकी, 2 आरोपी फरार। आसनसोल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। गुवाहाटी में पल्टन बाजार पुलिस स्टेशन के पास मिला आईडी बम, बम निरोधक दस्ते को बुलाना पड़ा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक युवक पर मां की हत्या का आरोप, संपत्ति विवाद से जुड़ा मामला।
यूपी के बरेली में एक छात्रा ने छात्र के चेहरे पर ब्लेड से किया वार, कहा तुम्हें चेहरे पर है घमंड तो इसे ही खराब कर देती हूं। एक तरफा प्यार से जुड़ा मामला। मुंबई के भाईंदर में गैस सिलेंडर में लीकेज के बाद धमाका, 3 दुकानें क्षतिग्रस्त। आजमगढ़ में फ्लिपकार्ट के दफ्तर में कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट, तफ्तीश में जुटी पुलिस। अमृतसर में नारकोटिक्स विभाग ने की छापेमारी, 2.5 करोड़ की हेरोइन बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार। नवसारी में लोक गायिका गीता रवारी पर नोटों की बरसात, प्रशंसकों ने उड़ाए करोड़ों रुपए। रोहतक में एक छात्र के कोरोना वायरस से पीड़ित होने का शक, पीजीआई में भर्ती, हाल ही में चीन से लौटा था। 40 भारतीय चीन से गोरखपुर आए, फिलहाल डॉक्टर की निगरानी में है। नेपाल में भी कोरोना पर हाई अलर्ट। पश्चिम बंगाल में एक युवा जोड़े पर दिखा कोरोना वायरस का असर, दूल्हे को चीनी दुल्हनिया से बिना उसके परिजनों के करनी पड़ी शादी। 7 सालों के रिलेशनशिप के बाद चीनी लड़की जियाकी और भारतीय बिजनेसमैन पिंटू जाना ने शादी का फैसला किया। 2 महीने पहले जियाकी भारत आ गई लेकिन कोरोना की वजह से 30 परिजन नहीं आ सके। चीन में कोरोना वायरस का सूरत के हीरा कारोबारियों पर पड़ा असर, कारोबार प्रभावित।